और अभी आपको बताएं कि लबनान के दारुल हुकूमत में शुरू होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरीन और पुलिस के माबैन झड़पें भी हुई हैं, जिसके बायस 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हंगामों का आगाज उस वक्त हुआ जब मुंह पर कपड़े लपेटे मुजाहरीन ने पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़े पुलिस एहलकारों पर पत्थर, गमले और दीगर अशिया फेंकी, जिसके बाद मुश्तैल मुजाहरीन ने खारदार तारे हटाकर ऐवान की तरफ जाने की कोशिश भी की, जिस पर पुलिस उन्हें ताकत के जरिए रोकने की कोशिश की, जिससे सैकड़ों मुजाहरीन जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने के बाद मुजाहरीन ने ऐवान जाने की कोशिश तर्क करके सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। दूसरी जानिब कशीदा सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने फौज को तलब कर लिया। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम साद अल हरेरी ने लबनान की हालिया सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा कि मुजाहिरों के तूफान को पुरअमन करने का एक ही तरीका है कि वक्त ज़ाया करना बंद करें और फौरी तौर पर हुकूमत बनाकर मसाइल को हल करें, क्योंकि इस वक्त फौज और मुजाहिरीन आपस में महाज आराई कर रहे हैं।